से है गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गेट टेक में। मेरा नाम है किशन दवे। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आपको Zoom एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके अंदर आपको मीटिंग करना है, या फिर आपको किसी मीटिंग में ज्वाइन होना है, या फिर आप स्टूडेंट हो, आपके कॉलेज के अंदर से कोई क्लासेस चल रहे हो उसके अंदर आपको Zoom के अंदर ऐड होना है, ऐसी कई सारी चीज़ें आपको अगर Zoom में करनी है, ID जनरेट कैसे करना है, किसी की ID को सर्च कैसे करना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर कैसे ऐड करना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको Zoom एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया होगा, वहाँ पे जाके Zoom एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके अलावा जैसे आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाए, साइन अप और साइन इन। आप साइन इन करते हैं मतलब कि आपके पास ऑलरेडी आईडी होगी, या फिर आप गूगल, फेसबुक और दूसरा कुछ है उसकी वजह से आप अपना जो आईडी है वो जनरेट कर पाएंगे। और साइन अप करते हैं वहाँ पे आपको ईमेल आईडी लिखना है, उसके बाद आपको एक ईमेल आईडी के साथ साथ अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है। वहाँ पे एक एक्टिवेशन कोड जाएगा आपके मेल आईडी ऊपर, वहाँ पे जाके आपको आईडी बेसिकली एक्टिव करनी पड़ती है। वहाँ पे आप आईडी एक्टिव करेंगे और वापस से आपको साइन इन में जाना पड़ेगा। इससे अच्छा आप डायरेक्ट ही साइन इन में आ जाइए, वहाँ पे जाके आपको गूगल करना है, गूगल में जाके आपको अपना आईडी सिलेक्ट करना है, वहाँ पे जाके आपका आईडी जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप आईडी जनरेट कर लेते हो आपको यहाँ पे Zoom का होम पेज देखने को मिल जाता है, जहाँ पे जाके आपको सेटिंग खोलना है। यहाँ पे नीचे की ओर सेटिंग है, उसको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद कॉन्टैक्ट में जाना है, जहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, मतलब कि जो आप नंबर यूज़ करते हैं उसको डालना है, जिसकी वजह से अगर कोई आपका कॉन्टैक्ट नंबर डालता है तो वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर से आपको डायरेक्ट ही Zoom पे सर्च कर पाए, और इसके हेल्प की वजह से आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। जैसे कि आप पासवर्ड भूल जाते हैं, आप फोन नंबर से भी फॉर्मेट मतलब भूल गए हो तो फॉर्मेट मतलब फ़ोन नंबर से भी फॉरगेट पासवर्ड करके आप वापस Zoom की आईडी में रिटर्न आ सकते हैं। यहाँ पे आपको OTP आएगा, उस OTP को इंस्टॉल अपने फ़ोन के अंदर डालना है। OTP डालने के बाद आपका काम ख़त्म हो जाता है। अगर आप भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट में पर्सन हो तो वो दिख जाएगा। यहाँ पे आप होम पेज पे आ जाते हैं। होम पेज पे आने के बाद जैसे कि मैं दिखा सकता हूँ अपना आईडी मतलब हो गया है जनरेट। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे जाने के बाद आपको सारे कॉन्टैक्ट देखने को मिल जाएंगे आपके, जिसके अंदर से अगर कोई कॉन्टैक्ट में होता है तो वो भी आपको यहाँ पे ही देखने को मिल जाता है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से आपको मीटिंग स्टार्ट करके दिखा सकता हूँ। जैसे कि अभी मैं स्टार्ट मीटिंग करता हूँ, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं मैं अभी कनेक्टिंग हो रहा हूँ, मतलब कि अभी तो फिलहाल के मैं मीटिंग में हूँ नहीं, पर फिर भी मैं मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। बट यहाँ पे आपको मीटिंग की यहाँ पे जो भी आईडी देखने को मिल जाती है, अगर आप इस इन्विटेशन को किसी और को मैसेज के ऊपर या फिर किसी भी व्हाट्सअप मैसेज में भेज देते हो, या फिर कॉपी टू क्लिप बोर्ड करके व्हाट्सअप में भेज देते हो और वो सामने वाला बंदा खोलता है, उसके अंदर आईडी पासवर्ड डायरेक्ट ही लग जाएगा, या फिर आईडी पासवर्ड लिखा होगा उसको वहाँ पे जाके मीटिंग ऐड करना है तो वहाँ पे जाके उसको आईडी और पासवर्ड डालना पड़ता है। सपोज़ मान लीजिए अगर आपका ऑडियो और वीडियो नहीं शो हो रहा, या फिर वीडियो शो हो रहा है ऑडियो शो नहीं हो रहा, तो नीचे की ओर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे म्यूट का ऑप्शन है और वीडियो टर्न ऑफ का ऑप्शन है। उन दोनों ऑप्शन को मतलब कि अगर आप म्यूट कर देते तो आपका आवाज़ नहीं जाएगा, अगर आप वीडियो का ऑप्शन ऑफ कर देते तो आपका वीडियो नहीं जाएगा, आप सुन जरूर पाओगे। इस टाइप से आप इसके अंदर वीडियो एंड ऑडियो को बंद या फिर चालू कर सकते हैं। यहाँ पे अब मीटिंग को एंड करते हैं। यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट कौन कौन से है, किन किन के माइक से आवाज़ आ रही, वो सारा देखने को मिल जाता है। तो चलिए यहाँ से अभी क्विट करते हैं। यहाँ पे आपको आपका आईडी देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप कुछ ज़्यादातर एडिटिंग कर मतलब एडिट कर पाएंगे, पासवर्ड एडिट कर पाएंगे, आईडी नंबर एडिट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है आपको अलाउ टू मोस्ट मतलब कि यहाँ पे वेट कर सकता है कोई अपने जब तक हम ना आए तब तक। अगर किसी बंदे को यहाँ पे आपको मीटिंग को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आपको देखा देख सकते हैं ज्वाइन मीटिंग आईडी और पासवर्ड डालना है, या फिर वो इनविटेशन लिंक होगा वहाँ से डायरेक्ट ही आपको के अंदर मीटिंग को देखने को मिल जाता है, देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे आपको साइड में प्लस यहाँ पे एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है कोने की, और वहाँ से जाके आप किसी भी बंदे को मतलब कि जो भी आपके इस Zoom एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा है वो सारे के सारे बंदे आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।